नमस्कार, आप देख रहे हैं लगातार .in। मैं जीतन कुमार हूं। देवघर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है त्रिकुट पहाड़। यहां पर रोपवे है और ये मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं ये बादलों की आगोश में ये अभी इन दिनों त्रिकुट पहाड़ जो है वो देखा जा सकता है। लिहाजा यही कारण रहा है कि बरबस ही सैलानियों को यहाँ पर आकर्षित करता है ये दृश्य। हमारे साथ कुछ सैलानी हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर कहाँ से आए हैं और ये जगह क्यों आपको अट्रैक्टिव करता है। आप सर कहाँ से आए? हम कलकत्ता से आया एयरपोर्ट। ये जगह नहीं, पहली बार हमको मौका मिला है। यहाँ पर आकर क्या आप लोगों ने क्या क्या दृश्य देखा जो आपको अट्रैक्टिव लगा कि दोबारा आप आना चाहेंगे? नहीं, जरूर आएगा, दोबारा आएगा। और मेरा जो मैंने दोस्त है वो लोग को भी बुलाएगा यहाँ आने के लिए। जितना साथी है, सहेली है, सबको बोलेगा। यहाँ पर आकर आपको क्या अच्छा लगा? नहीं, अच्छा लगा, शरीर स्वास्थ्य एकदम ठीक चलता है। यहाँ पानी पानी ठीक है, यहाँ रोप भी ठीक है, रोप में आया तो ठीक है, बढ़िया है। यस, वरुण कुमार बनर्जी, कलकत्ता। कुछ और भी बच्चियाँ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्रेयांका बनर्जी। यहाँ पर आकर आपको क्या ऐसा लगा कि ये बेहतर है? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ये नेचुरल ब्यूटी और पहाड़ तो अच्छा लगता ही है। ऐसे बहुत दिनों से पहली बार आए हैं या फिर? नहीं, पहली बार आए इधर। पहली बार आए? हाँ। देवघर में और सभी पर्यटक स्थल हैं तो यहाँ पर ही भी और कहीं जगह पर गए? नहीं, हम बैद्यनाथ धाम कल गए थे, तो आसपास भी कुछ मंदिर थे उधर भी गए थे, फिर आज ये त्रिकुट पहाड़ में आए हैं। कहीं और भी जाएंगे। हाँ। कितने दिन का टूर है? बस आज का ही लास्ट कॉल ट्रेन है, सुबह सुबह निकल जाएंगे। हाँ। क्या नाम हुआ? श्रेयांका बनर्जी। श्रेयांका बनर्जी। कुछ और भी हैं पर्यटक, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हाँ, मेरा नाम देवाशीष चटर्जी, फ्रॉम कलकत्ता। आपको ऐसा यहाँ पर आकर क्या चीज लगा जो ज्यादा आकर्षित? मैंने ज्यादा आकर्षित तो बाबा धाम, वहाँ से आया है त्रिकुट पहाड़। सबसे ज्यादा जो आकर्षण है ये पहाड़, नारायण शिला देखा है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एकदम। क्या संदेश देंगे अन्य जो दर्शक है हमारे, उनको? जो दर्शक है, हम दर्शक को बोलेंगे आप लोग आइए। मैंने इतना सुंदर मैंने पर्यटन केंद्र है, मैंने जो आना ही चाहिए सब कोई को एक बार। एकदम। आप भी कोलकाता से? मैं भी कोलकाता से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवाशीष चटर्जी। देवाशीष चटर्जी। तो देवाशीष चटर्जी को सभी वाले हैं और इनका कहना है कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो आएँ, यहाँ के प्राकृतिक छटा को जरूर देखें और बादलों की आगोश में जो है ये त्रिकुट पहाड़ ये देखते ही बनता है। बरबस आकर्षण का केंद्र यूं ही बना रहता है। और खासकर मुझे ये झूला जो बनाया गया है वो हॉपे, ये बहुत अच्छा है, जिससे कि यहाँ पे जो नहीं आ पाते थे चढ़ान के चलते वो भी अब आ सकते हैं। और सभी के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे छोटे बच्चे को लेके आना नहीं होता था, बट देखिए मैं छोटे बच्चे को भी लेके आई हूँ। और उस साइड भी एक गुफा है, वहाँ पे भी सब लेट के जा रहे थे तो वो भी सही लगा मुझे। और यहाँ से भी सब कोई जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वैसा गर्मी मतलब ठंडा नहीं लग रहा है। और इस जगह रैलिंग होना चाहिए जैसे कि बच्चे लोग ना गिर पाएं, एक्सीडेंट वगैरह ना हो। बस मैं बहुत एंजॉय की यहाँ पे आके। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं रांची से। देवघर से लगातार .in के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।